गोल्डन प्रभाग समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। अकबरपुर चीनी मिल के ठेकेदार द्वारा सड़क किनारे फेंकी गई दहकती राख की चपेट में आने से युवती बुरी तरह से झुलसी। घटना रविवार की दोपहर लगभग 1:30 बजे की बताई जा रही है, जहां भीटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चक्कोडर निवासी युवती सलोनी पुत्री राम केवल अपनी सहेली के साथ खाना बनाने के लिए लकड़ी तोड़ने अहिरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत कोटवा करदासपुर के पास गई। पहले से ही सड़क किनारे फेंकी गई राख के ऊपर ठेकेदार राघवेंद्र तिवारी द्वारा दोबारा उसी पर दहकती राख को फेंक दिया गया। अचानक उसी के ऊपर चढ़ने से उसके दोनों पैर झुलस गए और वो चिल्लाने लगी। उसकी सहेली चिल्लाने की आवाज सुनकर उसे दुपट्टे के सहारे दहकती आग की राख से बाहर निकाल लाई और आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज अभी चल रहा है। वही ठेकेदार द्वारा कुछ कथागतित पत्रकारों से मिलकर फर्जी खबर छपवा डाली गई। खबर में बताया गया कि खाना बनाते समय गैस से जल गई। आखिरकार अभी तक बलरामपुर चीनी मिल की अकबरपुर इकाई चुप्पी साधे हुए बैठी है तथा स्थानीय प्रशासन को इसकी तनिक भी खबर नहीं है। घरवाले इलाज के लिए लड़की को जिला अस्पताल ले गए। देखना है कि आखिरकार मिल प्रशासन द्वारा ठेकेदार पर क्या कार्रवाई होगी, जिसने लापरवाही बरतते हुए चीनी मिल से निकली आग की दहकती राख को सड़क किनारे फेंक दिया। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभार समाचार को सब्सक्राइब करें।